अलीगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने परेटी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट भगवान महावीर द्वार का किया शिलान्यास। अलीगढ़ पहुंचे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक का पुलिस प्रशासन और भाजपा जनप्रतिनिधियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने खीनी गेट स्थित श्री लक्ष्मी चंद्र पांडे खंडेलवा दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट में भगवान महावीर द्वार का शिलान्यास किया। इससे पूर्व उपमुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पनेठी में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा और चारों तरफ कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इस अवसर पर स्वतंत्र प्रभार शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, अलीगढ़ सांसद पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर गोपाल सिंह, महापौर प्रशांत सिंगल, शहर विधायक मुक्ता राजा, कोल विधायक अनिल पराशर व अन्य सभी जनप्रतिनिधि व भाजपा कार्यकर्ता और जैन समाज के सभी लोग उपस्थित रहे और सभी ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं पहुंचे डिप्टी सीएम द्वारा भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया गया और मुख्य द्वार का शिलान्यास कर इस कार्य को लेकर डिप्टी सीएम ने जैन समाज को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान की 2550वें जयंती समारोह को भव्य बनाने के लिए विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कहा कि सभी कार्यक्रमों में पूर्ण रूप से सहयोग देने का मैं वचन देता हूँ। कहा कि जैन समाज ने अपने परिश्रम से समाज के अंदर विशिष्ट स्थान हासिल किया है और इस समाज ने जियो और जीने दो के सिद्धांत के साथ अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया है। आगे सुनिए उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। आज जैन समाज के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में पूरे जैन समाज को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और 2550वें भगवान के जयंती समारोह को भव्य बनाने के लिए जिस ढंग से कार्यक्रम विभिन्न जनपदों में आयोजित किया जा रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों में मैं पूरी तरह से सहयोग का वचन देता हूँ और जैन समाज का आभार और अभिनंदन इसलिए करूँगा कि जैन समाज ने अपने पसीने के मेहनत के बदौलत समाज में विशिष्ट स्थान हासिल किया है, जियो और जीनो जो के सिद्धांत को अपनाया है, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया है। मैं पूरे जैन समाज को ऐसे शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।